आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक जिससे आप चारों डेरिवेशन कर सकते हो कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्विफर के कुछ ही मिनट्स में, जो कि ड्यूपिट्स फार्मूला और थीम फार्मूला पे बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखना कि जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यूपिट्स फार्मूला में कि ये है क्यू डिस्चार्ज है के आई ए, यह है डार्सीज फार्मूला, डार्सीज फार्मूला ये। तो यहाँ पे आप आई जान रहे हो और ए जान रहे हो, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एरिया, और फिर इसको हम लोग अरेंज कर रहे थे डी आर अपॉन आर 2 पाई KB अपॉन क्यू डी एच, इस फॉर्म में अरेंज कर रहे थे। तो आप अभी तक के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हो, अब ड्यूपिट्स ये चारों, तो अभी मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप वो ये लेक्चर देख लोगे वहाँ से, तो आप ये जो वीडियो का लेक्चर है वो एकदम आसानी से समझ सकते हो और कुछ ही मिनट्स में ये चारों डेरिवेशन आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ड्यूपिट फार्मूला हो, ड्यूपिट फार्मूला फॉर अनकन्फाइंड हो, तो आप देखो जो ये स्टेप है, स्टेप वन यहाँ पे, ये इसमें भी डार्सी यूज़ कर रहे हैं, डार्सिला इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, फिर क्यू के फॉर्म में ला रहे हैं इसको भी, ठीक है, फिर इसको भी, ये मतलब आई की वैल्यू रख रहे हैं एक ही, यहाँ भी आई की वैल्यू एक ही वैल्यू, जहाँ ये के है कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। फिर हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है कि डी आर अपॉन आर हो, यहाँ भी अनकन्फाइंड के भी केस में और कन्फाइंड वीक के भी केस में डी आर अपॉन आर के फॉर्म में ये लिखेंगे, बाकी वैल्यू जिसमें जो बचेगी वो एक साइड, जैसे 2 पाई KBQ इंटू डी एच, इसमें भी यही चीज़ है 2 पाई K और ये एच डी एच। अब यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो जब भी कन्फाइंड यूज़ होगा तो एच के जगह जैसे एरिया लिखते हैं ना 2 पाई R H, तो जब भी कन्फाइंड यूज़ होगा तो H के जगह पे B यूज़ होगा, जो एक्विफर की थिकनेस होगी। तो ये कन्फाइंड है तो H के जगह B यूज़ हो रहा है, और ये अनकन्फाइंड है तो यहाँ H ही यूज़ हो रहा है, जो कि एरिया है 2 पाई R H। तो फिर अब क्या करना है कि जैसे इंटीग्रेट कर रहे थे आर डब्ल्यू और आर में, और राइट हैंड में H से एच डब्ल्यू में, ठीक है, कन्फाइंड वाले के केस में देख सकते हो आर डब्ल्यू से आर में और एच डब्ल्यू से एच में इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें भी वही चीज़ करना है आर डब्ल्यू से आर में, एच डब्ल्यू से एच में। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन वाला स्टेप है, तो अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सक नहीं आता है आपको, तो आप ये स्टेप याद कर लो, ये और ये दो स्टेप याद करोगे तो आप यहाँ से के की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो और क्यू की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, ये दो स्टेप बस इसमें याद करना है। तो आप के की और क्यू की वैल्यू जो कि है कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, ये है डिस्चार्ज, वैसे ही अनकन्फाइंड के भी केस में यही है, आपको ये दो स्टेप याद करना है ये इंटीग्रेशन के बाद का। जैसे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके ये एक वैल्यू मिलेगी, फिर एक ये इस फॉर्म में लिखना है। अगर आप इंटीग्रेशन आता है आपको तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं आता कोई बात नहीं, ये दो स्टेप याद कर लो। फिर उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से के की और क्यू की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, के की और क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब ये तो था ड्यूपिट्स का, ये ड्यूपिट्स केस था। अब थीम्स देख लो, जैसे थीम फार्मूला में भी वही है, ये डार्सिला यूज़ हो रहा है, ये आई की वैल्यू है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये एरिया है जैसे कि बताया था कन्फाइंड के केस में, जैसे एरिया है 2 पाई R H होता है एरिया, और वही यहाँ H के जगह पे B यूज़ होता है जो कि एक्विफर की थिकनेस होती है, ये कन्फाइंड के केस में B यूज़ करेंगे। तो वैसे ही अब ये अनकन्फाइंड का केस है तो यहाँ पे H ही यूज़ कर रहे हैं, देखो सिमिलर है एकदम यहाँ तक, इसको भी डी आर अपॉन आर के फॉर्म में लिखना है और इसको भी 2 पाई K H D H, यहाँ पे बी है, एक तो कन्फाइंड है तो यहाँ बी है, ठीक है, अनकन्फाइंड है तो एच ही यूज़ करेंगे। तो फिर इंटीग्रेट करेंगे, अब इसमें क्या करना है, जो अनकन्फाइंड वाला केस था उसको
किस में इंटीग्रेट कर रहे थे, R1 से R2 में, लेफ्ट हैंड साइड को dr/r को, और राइट हैंड साइड को जो कि ये है H1 से S2 में इंटीग्रेट कर रहे थे। और कन्फाइंड में क्या है, कन्फाइंड में भी R1 से R2 में, H1 से S2 में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। और ये इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आपकी आएगी। ये दो स्टेप इसमें आप याद कर सकते हो। ये स्टेप याद करने के बाद आप यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लो, ये आ जाएगी, क्योंकि अब यहीं से के की वैल्यू निकाल सकते हो इसी स्टेप से। क्यू की और के की वैल्यू आप इसी स्टेप से निकाल सकते हो, बस ये और ये स्टेप याद कर लो। तो और ये भी एक अगर आप लेक्चर देख लो तो ये समझ में आ जाएगा ये H2 और H1 क्या है। तो ये इसके इक्वल होता है H2 - H1, S1 - S2। आप ये पुट कर सकते हो, जैसे Q की वैल्यू आई है यहाँ पे, आप ये पुट कर सकते हो जो कि ड्रा डाउन है S1 S2 ऑब्जर्वेशन वेल का। वही चीज़ इसमें भी है। तो आप ये इंटीग्रेट शुरू किए तो अब ये दो स्टेप है, ये और ये दो स्टेप आप याद कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो। ये के की वैल्यू है और ये है क्यू की वैल्यू है। तो आप जान रहे आप जैसे ये था H2 - H1 = S1 - S2। तो ये अनकन्फाइंड के केस में क्या है, जब ये क्यू की वैल्यू आ रही है, क्यू की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे हम लोग H2 - H1 की जगह पे S1 - S2 लिख सकते हैं। वो कैसे, ये पिछला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं थीम्स का, कन्फाइंड एक्वीफर का, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उस लेक्चर को देखो तो आप ये आसानी से समझ जाओगे। बाकी प्रोसेस सेम है। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।